सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग, गोली लगने से महिला की हुई मौत, दो घायल। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना कोडरा के गांव नगला पंची का है, जहां घर में घुसकर गोलीबाजी की गई, जिसमें सास रेशमा देवी बालेश्वर सुग्रीव को गोली लगी, जिससे रेशमा की मौके पर मौत हो गई तथा दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोगों को जिला चिकित्सालय मैनपुरी लाया गया, जहां से सेफ़ पीजीआई के लिए रेफ़र कर दिया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही। बहू ज्योति ने बताया कि पांच लोगों ने रात को करीब 9 बजे घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिससे 3 लोगों की गोली लगने से सास रेशमा की मौत हो गई तथा सुग्रीव बालेश्वर की पत्नियों ने बताया कि रात के समय 5 लोगों ने गाली गलौज का प्रयोग करते हुए फायरिंग कर दी थी, जिसमें 3 लोगों को गोली लगने से 3 घायल हो गए और 3 को उपचार के लिए लाया गया, जहां पर महिला की मौत हो गई। कितने समय गोली चली? 8 बजे चली साहब। गोली किन के लगी है? गोली मेरी सास के लगी साहब और मेरे चचिया ससुर के लगी है, 2 जने के, लेकिन मेरी डोगरी के 4 लगी हैं, बैठा रही है। ये गांव नगला पंछी पड़ता थाना कुर्रा में, कल शाम को 8 बजे के आसपास फायरिंग सूचना आई थी, जिसमें एक महिला, करीब 70 वर्षीय महिला है, बुजुर्ग महिला, उसको गोली लग गई थी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है, 2 लोग घायल हैं और 6 लोगों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है, जिसमें 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और आला कत्ल भी बरामद हो गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।